हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी वीडियो। तो मैं बनाने वाली हूँ ढाबा स्टाइल मटन करी की रेसिपी, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी सरसों का तेल, और फिर तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूँगी तेज़पत्ता और जीरा, एंड जीरा को हल्का ब्राउन होने के बाद मैं इसमें डालूँगी कटे हुए प्याज। मैंने 700 ग्राम मटन के हिसाब से प्याज लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करिए। अब देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मैरिनेट किए हुए मटन। मैंने मटन को हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक डाल के मैरिनेट किया है। मैं मटन को अच्छे से फ्राई होने दूंगी, तब तक मैं ग्रेवी के लिए बाकी मसाले को रेडी कर लूंगी। मसालों के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज प्याज, कटे हुए अदरक, लहसुन, कुछ साबुत मसाले, जीरा, काली मिर्च, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी और सूखी लाल मिर्च। अब इन सबका अच्छे से मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, आप साबुत धनिया भी ले सकते हैं। मटन हल्की फ्राई हो चुकी है, अब इसमें मैं पेस्ट बनाए हुए मसाले ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करूंगी। इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी ताकि मसाले चिपके ना, और फिर इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालूंगी और स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही मैंने इसमें 2 मीडियम साइज टमाटर कट करके डाला है और इसको 5 मिनट पकने देंगे। पाँच मिनट हो चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर और मीट मसाला, एंड फ्राई करेंगे जब तक मसाले से ऑयल अलग ना हो जाए। देख सकते हैं कि सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ऑयल भी अलग हो गया है। अब इसमें मैं लगभग 300 ml पानी डालूंगी ताकि मटन अच्छे से पक जाए, और इसको ढककर 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारी ढाबा स्टाइल मटन करी की रेसिपी तैयार है। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए, और अगर आज का रेसिपी वीडियो पसंद आया तो हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।